प्रकार के ताप प्रभु की शरण में आके मिट जाते हैं, इसलिए कहा वेदव्यासी ने श्री कृष्णाय वयम नमः। सुखदेव जी महाराज को यहाँ पे प्रणाम करते हुए नैमिषारण्य के क्षेत्र में जाते हैं। देखते हैं नैमिषे सूत मासीनम, सूत जी महाराज सामने से आ रहे हैं, 20 वर्ष के मात्र हैं और सौनक आदिशि हजारों हजारों वर्ष के ऋषि जैसे सूत जी को देखते साष्टांग प्रणाम करते हैं। प्रणाम किया और कहा महाराज, सूत जी महाराज पीछे, अरे आप लोग ये क्या कर रहे, मैं छोटी सी उम्र का व्यक्ति, आप इतने वर्षों के और मुझे सूत पुत्र को प्रणाम करते। बोले महाराज, कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्तव चा ती सर्वो अपि ज्ञान वृद्धा किं करा शिष्य किं करा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए कृपा करें, नैमिखे सूत मासीनम भिवाद्य महामतिम कथामृत रस स्वाद कुशलः सोनको ब्रवीत। सोनकाद ऋषि सभी बैठ गए और एक प्रश्न किया, बड़े ध्यान से सुनना ये प्रश्न। उन्होंने प्रश्न किया, महाराज अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभाव सूतक ख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन भक्ति ज्ञान विराग अप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथा। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, प्रभु की भक्ति कैसे मिलेगी, भगवान के दर्शन कैसे होंगे, इस दुनिया की मोह माया से मुक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि आपका जो ज्ञान है हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान। सूर्य जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और एक ही बात कही कि जो बात आज आपने कही है ना, यही कथा वही भाव में सुनाने जा रहा हूँ जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। पर ये कथा ऐसे वैसे लोगों को नहीं मिलती। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा श्रीमद्भागवतम् लभे। जन्म जन्मांतरों के पुण्य से कथा मिलती है, क्योंकि जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे ना, परीक्षित कथा वक्तुम सभायाम संतिते सुखे, तब आकाश के देवता अमृत का कलश लेकर के आए और कहा महाराज एवं विनिमय जाते अदला बदली कर लीजिए। बोले क्या, बोले ये जो कथा है जो राजा परीक्षित को पिला रहे हैं ना, हम इसको अमृत पिला देते हैं, फिर एक तक्षक या करोड़ों तक्षक भी डसेंगे तो बाल बांका नहीं हो पाएगा, और उसके बदले में कथा हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तुम साधारण से अमृत की तुलना भागवत महापुराण से करने के लिए आए हो। क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा काचह को मणि महान ब्रह्म रातो विचार एवं तदा देवाच्यास। अरे जाओ जाओ, कहा ये तुम्हारा तुक्ष अमृत और कहा महान श्रीमद् भागवत की कथा, कांच और मणि की तुलना कभी नहीं की जा सकती। अभक्तस्य ददा न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणम अपि दुर्लभ। देवताओं को कथा दुर्लभ हो गई तो रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए, बाबा बड़ा बुरा हुआ। बोले क्या हुआ, बोले हम मानवों को तो पृथ्वी पे कथा मिल रही लेकिन हम देवताओं को दुर्लभ है। ब्रह्मा जी ने कहा देखने तो दो, 7 दिन बाद होता क्या है। और जब 7 दिन बाद राजा परीक्षित को मोक्ष मिला, धाता अपि विस्मितः सत्यलोक में तराजू बाधा, एक तरफ सारे मोक्ष के साधनों को रखा, दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को, पर श्रीमद् भागवत महापुराण का पल्ला सबसे भारी निकला, सारे देवता जय जयकार करने लगे, बोले भागवत भगवान की जय। सूत जी ने कहा आज मैं वही कथा सुनाने जा रहा हूँ जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई, जो सनकादियों ने नारद जी को सुनाई। सोनकादिशियों ने रोका, महाराज जी एक मिनट। बोले क्या हुआ, बोले नारद जी तो 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं टिकते नहीं है, नारायण नारायण करते हुए पूरी दुनिया में घूमते, और सनकादि कहीं जाते नहीं, तो इनका समागम कैसे हो। बोले एक बार की बात है, एकदा ही विशालायाम चत्वारि ऋषियो अमाल्या, चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मद्रिकाश्रम में बैठे थे और उसी समय नारद जी महाराज वहां से गुजरे, मुख मलिन चेहरा उदास, बड़ी दुख के भाव थे चेहरे में। सनकादियों ने पूछ लिया कि आप इतने दुखी कैसे हैं, क्या हुआ, इतनी तीव्र गति से कहां भाग रहे, आपको क्या हो गया, अपनी चिंता का कारण बताइए। तो नारद जी महाराज ने कहा, महाराज मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ के पृथ्वी में भ्रमण करने गया था, अहम तु पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंदनम एवमादेशु तीर्थेषु भ्रममाणेतस्तु। महाराज मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ के सारे तीर्थों में गया,
गंगा गोदावरी हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंद रामेश्वरम मेरे मन को कहीं शांति मिली। नारद जी महाराज संतों के यहाँ गए, संतों के यहाँ गए तो देखा कि बड़ा बवाल मचा हुआ महाराज। अगर इस महात्मा जी ने इतना बड़ा मंदिर बनाया तो दूसरे महात्मा ने और बड़ा मंदिर बनाया। और महात्माओं के आश्रम के बाहर लिखा है गोपाल गौशाला, कृष्ण गौशाला, वृंदावन गौशाला, बड़ी बड़ी। और उनके आश्रम के बाहर गाय पॉलीथीन कचरा खाती हुई मिल जाती है। देख लिया नारद जी गए, बोला और संतों के यहाँ जाऊं तो एक जगह गए, देखा बड़ा सा एकदम विशाल महल जैसा घर बना हुआ है, आश्रम तो कहीं से लग नहीं रहा था। बोले महाराज जी बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का। बोले क्या त्यागी और इतना बड़ा? ठीक आगे गए, अरे बड़ी शोर शराबे की आवाज आ रही है, लोग चिल्ला रहे, गालियां दे रहे घर के अंदर। बोले क्या हुआ भैया, ये आवाजें कहाँ से आ रही? बोले मौनी बाबा के यहाँ से। आगे गए, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। बोले महाराज जी बच्चे किसके? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। सारी संत समाज की वो परिभाषा ही बदल के रख दी लोगों ने। नारद जी ने कहा चलो छोड़ो संतों को, मैं गृहस्थियों के घर जाता हूँ। पर महाराज वहां तो दशा और भी ज्यादा खराब। मैं नहीं कह रही, भागवत महापुराण में लिखा क्या होता है गृहस्थियों के यहाँ। तरुणी प्रभु तागे शाल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रीणो लोहा दंपति नाम चकल कलम। तरुणी प्रभु तागे, घर में नई नई बहू आई, सासु माता ने सोचा अच्छी है, पढ़ी लिखी है, घर को संभाल लेगी, चाबी दे दी। पर उस बिचारी माँ को क्या पता कि मैं दो चार दिन मुझे रहने देगी और धक्के मार के भगा देगी, वृद्धाश्रम में भगा दिया। या तो कुछ को घर में रख भी लेंगे तो उनकी कोई इज्जत, उनका कोई सम्मान नहीं होता। कोई भी घर का बड़ा काम या अच्छा काम करेंगे तो उनसे सलाह भी नहीं लेते, बोलते कह रहे तुम तो पुराने जमाने के हो, तुम्हें क्या पता हमारे जमाने का फैशन। सलाह भी लेनी होगी तो ससुराल पक्ष से साले साहब को बुलाया जाता है। हमारे वृंदावन में तो एक कहावत है, दीवाल बिगाड़े आरो ने घर बिगाड़े सारो। दीवार में ज्यादा अलमारियां रख दो तो दीवार कमजोर हो जाती है, और घर में ज्यादा साले की सलाह लो तो घर बर्बाद हो जाता है। महाभारत में शकुनी की सलाह से क्या हुआ आप जानते हैं ना? मैया आप लोग चिंता मत करना, आपके भैया लोग तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो दूसरी जगह की बात। धमतरी की माताएं और उनके परिवार वाले भी बहुत अच्छा। देखो माताओं को सब बोलो, उनके मायके के बारे में एक शब्द बोला ना तो पति को कम से कम 5 दिन से ज्यादा तो खाना देंगे ही नहीं, भूख हड़ताल हो जाएगी। कब सब बोलो पर मायके के बारे में कुछ मत बोलो, प्रेम से बोलो श्री राधे। और कन्या विक्रीण लोभा, दहेज की आग में दुल्हन को मेहंदी रचाना पड़ता, कन्या का क्रय विक्रय होने लगा। बड़ी बुरी स्थिति नारद जी महाराज ने सुनाई सनकादियों को और कहा कि जब मेरा मन नहीं लगा वहां पे तो मैं सारे तीर्थों को छोड़ के श्रीधाम वृंदावन आ गया। और वृंदावन के किनारे जैसे ही यमुना महारानी को प्रणाम किया, मेरे मन को थोड़ी सी शांति मिली और मैंने गदगद होकर के साष्टांग दंडवत किया। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के सभी जय घोष करेंगे, बोली यमुना महारानी की जय, श्री श्याम पटना।